তাজুসসরিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলিফা ডক্টর সৈয়দ ইরশাদ আহমদ আল বুখারি মাদ্রাজিলুল আলিয়া নূরিয়া কে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার মে মেয়ে রহা হুম গয়া হুম और वहाँ से कई जगह प्रोग्राम भी किया हूँ। तो वहाँ का जो माहौल हमको लगा इस्लामिक रिसर्च सेंटर और दीगर लोगों में जो हमारी बातचीत हुई, तो इसमें ऐसा लगा कि मैं बरेली में हूँ माशाल्लाह। तो और भी बांग्लादेश में बहुत सारे जगह हैं, जैसे महेश भंडार ही आमिर भंडार दरबार शरीफ है, जी जी महेश भंडार भी गए हैं। नाज़रीन आप जानते हैं बांग्लादेश के बहुत सारे जगहों में गए भी हैं, इनसे सुनते हैं कि कौन सी जगह पर हजरत गए हैं और किन किन से मुलाकात किए हैं। तो इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारे चैनल बायजीद अशरफी ऑफिशियल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तुझे ढूंढता हूं मैं चार सूस मिला करीब रगे गुलो तेरी शान जल्ले जलालहू तेरी शान जल्ले जलाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। आज हम ऐसे एक शख्सियत के साथ आपका परिचय कराएंगे और इनसे फैज लेंगे हमारे चैनल में, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। यह हैं खलीफे डॉक्टर सैयद इरशाद अल बुखारी, जो बांग्लादेश के हैं और ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, और उन्हीं के खलीफा मुफ्ती मोहम्मद जहांगीर आलम रिज़वी साहब हैं। तो हजरत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल में आज आपसे बस कुछ, जैसे आप सफर करते हैं, हम हमारे चैनल में ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, यानी जहाँ जहाँ टूर करते हैं, मज़ारात और पुराने जगहों की जियारत करते हैं, उन जगहों को हम लोगों तक पहुँचाते हैं और रास्ता बताते हैं। तो आज हजरत से बस इतना जानना चाहेंगे कि हजरत का प्रोग्राम जो है बांग्लादेश में ज़्यादातर होता है, हमारे कलकत्ता के दीगर जिलों में डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होता रहता है। तो हजरत से सवाल इतना ही है कि आपका जो है जहां जहां आप सफर किए हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत अच्छा लगा हो आपके प्रोग्राम में या फिर आपके सफर के जरिए में, जैसे बांग्लादेश गए कौन सी जगह और किन से मिलकर आपको खुशी महसूस हुई, बस इतना हमारे व्यूवर्स को आप बताएं तो नवाजिश। जी सर, जमीन बांग्लादेश हम बारह जाते हैं और वहाँ बांग्लादेश के कई खित्तों में हम जा चुके हैं, तो वहाँ अहले सुन्नत और जमात की जो काम ए एंड जेड तक जो अंजाम दे रहे हैं, और जहाँ जाके हमको बहुत ही बरेली बरेली एहसास हुआ कि ये मैं सरजमीन बरेली में आ गया हूँ, वो है आपका बांग्लादेश दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, दिनाजपुर ही में डॉक्टर सैयद हुजूर ताजुसरिया रदियल्लाहु तआला अन्हु का खलीफा डॉक्टर सैयद इरशाद अहमद अल बुखारी मद्रजिलुल आलिया नूरिया के इस्लामिक रिसर्च सेंटर में मैं रहा हूँ गया हूँ और वहाँ से कई जगह प्रोग्राम भी किया हूँ। तो वहाँ का जो माहौल हमको लगा इस्लामिक रिसर्च सेंटर और दीगर लोगों में जो हमारी बातचीत हुई, तो इसमें ऐसा लगा कि मैं बरेली में हूँ माशाल्लाह। तो और भी बांग्लादेश में बहुत सारे जगह हैं, जैसे महेश भंडार ही आमिर भंडार दरबार शरीफ है, जी जी महेश भंडार भी गए हैं। नाज़रीन आप जानते हैं बांग्लादेश के बहुत सारे जगहों में गए भी हैं, इनसे सुनते हैं कि कौन सी जगह पर हजरत गए हैं और किन किन से मुलाकात किए हैं। तो इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारे चैनल बायजीद अशरफी ऑफिशियल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो हजरत बताएं कहां कहां गए, और जैसे बांग्लादेश में अहले सुन्नत वल जमात के काम अंजाम दे रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, जो कंजुल ईमान का बांग्ला तर्जुमा किए हैं, वो कहाँ के रहने वाले, वो बांग्लादेश ही के रहने वाले हैं, उनके पास भी मैं गया हूँ और बहुत ही अच्छे आलिम दीन हैं और दीन के काम बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और एक जो चिटागंग में कालू शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जामे मस्जिद में जो इमामत और सरकारी नौकरी भी करते हैं डॉक्टर जनाब मुफ्ती उमर रिज़वी साहब, वो भी बहुत बड़े आलिम हैं और इस्लाम की अहले सुन्नत वल जमात की बहुत सारे
काम को अंजाम दे रहे हैं, जैसे अबुल कासिम नूरी साहब। जी जी, उनका नाम कौन? जी जी जी, तो अबुल कासिम नूरी साहब के पास भी मैं नाचिस पहुंचा हूं, और उन लोगों के सामने मेरी हैसियत बहुत ही कम है, और ऐसे ही मैं बहुत कम इल्म वाला इंसान हूँ। तो बहरे कैफ, ये तो हमारे आला हजरत और बुजुर्गाने दीन मिल्लत की मजारों की खाक की वो ये हैं, करामत है जो लोग बुलाते हैं, जाते हैं, और आप लोगों की दुआ है। अल्लाह हजरत को कामयाब करे। और हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ आपका दौरा हुआ? इंडिया में भी बहुत जगहों में गए हैं हम, जैसे आसाम गए हैं, जगह के नाम याद नहीं है, बहुत दिन पहले गया था, और कलकत्ता की कई जगह में मैं जाता हूँ, बारह लोग बुलाते हैं, और हुजूर तौसीफ रजा तौसीफ मिल्लत से बहुत ही दिल लगी है, उनसे भी बात होती है, और बस आला हजरत के मिशन को लेकर चलता हूँ, और साथ में तमाम खानकाहों की बुजुर्गाने दीन की रिस्पेक्ट करता हूँ, उन लोगों को अपने आँखों में, अपने दिलों में, अपने सरों में रखता हूँ। यही बात है बेशक। तो ये है मुफ्ती जहांगीर आलम रिजवी साहब, जो खलीफे डॉक्टर सैयद इरशाद अल बुखारी हैं, और मेरे साथ देख रहे हैं मेरे मजीरा भाई मौलाना जुनाइद अशरफी, और हम लोग जो इनके साथ बैठे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज बरेली शरीफ के निस्बत वाला कोई मिल गया, क्योंकि अशरफी और रिजवी एक दरख्त के दो शाखे हैं, और ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम रखे, कयामत तक बाकी रहे ये मोहब्बत। तो आप लोग हमारे साथ रहें, अल्लाह हाफिज़।